यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है. इफ द इक्वेशन कॉस टू एक्स प्लस एक्स अल्फा साइन एक्स इक्वल टू टू अल्फा माइनस सेवन हैज सॉल्यूशन देन रेंज ऑफ अल्फा. सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है इसी बार का, उसमें बस अल्फा के प्लेस पे के था, वैसे ही क्वेश्चन है. आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स इक्वल टू टू अल्फा माइनस सेवन देन टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस टू अल्फा माइनस एट इक्वल टू जीरो. अब आपके हाथ में, आप चाहो तो फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाने में कन्फ्यूजन हो फॉर्मूले मेथड से कर लो. तो अल्फा प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर माइनस फोर एट इंटू टू अल्फा माइनस एट बाय टू इंटू टू. अब देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्सटीन अल्फा प्लस सिक्सटी फोर यानी अल्फा माइनस एट का होल स्क्वायर. तो एक तरह से अल्फा माइनस एट मिला अपॉन फोर. टेकिंग पॉजिटिव साइन नेगेटिव पे तो अल्फा खत्म ही हो जाएगा. तो टू अल्फा माइनस एट अपॉन फोर यानी हम ऐसा बोल सकते हैं अल्फा माइनस टू से कैंसिल, अल्फा माइनस फोर बाय टू. अब ये साइन एक्स इक्वल टू है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस के था वहाँ. आप केवल क्या करेंगे, अल्फा के प्लेस पर ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं. जैसे टू पुट किया तो माइनस टू, सिक्स पुट किया तो प्लस टू, यानी यही आंसर करेक्ट है. क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू आपको पता है माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है. इससे भी निकाल सकते थे, इससे भी कर सकते थे. माइनस टू लेस देन इक्वल टू अल्फा माइनस फोर लेस देन इक्वल टू टू देन टू लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू सिक्स. दिस इज द राइट आंसर. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर पॉइंट बी, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर बी, ये टॉप है टावर का बी, फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी फ्रॉम फुट ऑफ टावर, इससे डिस्टेंस है डी, ओके, इस 45 डिग्री, ये एक 45 डिग्री दिया हुआ है, ओके. तो अगर ये डी है तो ऑब्वियसली ये भी डी ही होगा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज 45 डिग्री एंगल बना रहा है. क्वेश्चन सुनिए क्या है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर बी पॉइंट बी फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन ग्राउंड एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 45 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट सी, फ्रॉम अ पॉइंट सी 30 मीटर अबव द ग्राउंड, अबव द पॉइंट ए, 30 मीटर के ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम वो बोला है सी है. इससे अगर इसको देखते हैं तो एंगल मिलता है कितना, डिस्टेंस डी फुट ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट सी 30 मीटर वर्टिकली अबव पॉइंट ए इज 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ डी, ये बताना है. तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा एक लॉजिक है, ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये कितना होगा डी माइनस 30. ये अच्छा, ये डिस्टेंस डी है, आपको डी पूछा, आप एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं, टेन 30 इक्वल टू डी माइनस 30 अपॉन डी, राइट. देयर फोर टेन 30 कितना होता है रूट थ्री, तो आप ऐसा लिख सकते हो वन बाय रूट थ्री, तो डी इक्वल टू रूट थ्री डी माइनस 30 रूट थ्री. इसका मतलब डी कॉमन लिया तो रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू 30 रूट थ्री, इसको यहाँ लेगा इसको यहाँ, तो डी इक्वल टू आ गया 30 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस वन, या फिर इसको रैशलाइज कर दीजिए तो ये 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, तो 15 इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन 2, तो कैंसिल ही हो गया. आप चाहो तो आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 15 इंटू थ्री प्लस रूट थ्री, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, तो करेक्ट आंसर हो गया 15 इंटू थ्री प्लस रूट थ्री. राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. इफ अ लाइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री इंटरसेक्ट द पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन एट, एक इस तरह का पैराबोला दिया एक्स माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वन एट ए एंड बी, यानी इसके वर्टेक्स टू माइनस वन है, एंड टेंजेंट एट ए एंड बी मीट द पॉइंट सी देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो इस तरह का हमने कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है. सपोज ये पैराबोला है, ये इस पर कोई पॉइंट है, एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ पहले, मान लीजिए ये पॉइंट है, इससे हमने कॉट ऑफ कॉन्टेक्ट ली, तो ये कॉट ऑफ कॉन्टेक्ट ली तो ये जो पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट आपसे पूछे. तो इस एक तरह से इक्वेशन यही दी, इफ अ लाइन एक्स माइनस वाई इक्वल थ्री इंटरसेक्ट द पैराबोला, आपको जो पैराबोला दिया है आप डायग्राम रफ बना लीजिए चलेगा. ये इस तरह का पैराबोला है, ये इस तरह का एक कोई पैराबोला है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पॉइंट पर. ए पॉइंट है
और एक बी पॉइंट है। इस पॉइंट से जब आप टेंजेंट ले रहे हैं तो वो मीट करती है सी पॉइंट पर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताना है। तो क्यों ना हम इसमें एक काम करें कि कॉट ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकाल लें। सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा एच के, जो मानना चाहो एच के मान लो, और कॉट ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, टी इक्वल टू जीरो। यस, तो अब ये इक्वेशन जो है टी इक्वल टू जीरो, इससे हम निकाल सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू वाई प्लस वन, सबको एक तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो अगर कभी भी कोई कर्व दिया हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स आपने पढ़ा या टू एक्स मिला हो, तो ये एक्स एक्स वन होगा, ये वाई वाई वन होगा, इसमें केवल टू हट जाएगा और फिर कितना एक्स प्लस एक्स वन, वैसे ही यहाँ पर। तो एक्स एक्स वन मतलब एच एक्स माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एच, अब यहाँ टू नहीं है तो टू बनाना पड़ेगा, तो वन बाय टू वाई प्लस के प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। या ऐसा भी बोल सकते हैं एच एक्स एक साथ ले लें, तो एच माइनस टू इंटू एक्स, वाई एक साथ ले लें तो माइनस वन बाय टू वाई, राइट। अब क्या क्या बचा वो एक साथ लिख लेते हैं। अब बचा आपके पास प्लस थ्री माइनस टू एच माइनस के बाय टू, दिस इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन और जो गिवन इक्वेशन है ये सेम होगी, मतलब आप समझिए गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो आप ऐसा बोल सकते हैं एच माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू माइनस वन बाय टू अपॉन माइनस वन इक्वल टू थ्री माइनस टू एच माइनस के बाय टू अपॉन माइनस थ्री। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, एच माइनस टू इक्वल टू वन बाय टू, देन एच इक्वल टू फाइव बाय टू। अब फाइव बाय टू देखिए ये दिया हुआ है, ये आ गया एच की वैल्यू फाइव बाय टू। अब ऐसे ही एक बार इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, वन बाय टू इक्वल टू थ्री माइनस फाइव माइनस के बाय टू अपॉन माइनस थ्री, मत भूल जाइएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस थ्री यहाँ आ गया, तो माइनस थ्री बाय टू इक्वल टू माइनस टू माइनस के बाय टू, यानी के बाय टू इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री बाय टू। तो के बाय टू इक्वल टू एक तरह से मिल गया आपको, के बाय टू इक्वल टू मिल गया माइनस वन बाय टू, टू से टू कैंसिल, तो के की वैल्यू आ गई माइनस वन, यानी फाइव बाय टू कॉमा माइनस वन इज द राइट आंसर। इसमें कहीं उलझने की जरूरत नहीं थी, टी इक्वल टू जीरो से कॉट ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकाल के इस लाइन से कंपेयर कर दी, आपको आंसर मिल गया, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।